गुजरात से भगवान नाथ द्वारा के दर्शन करने आए 8 लड़के बुधवार देर रात उदयपुर में एक फार्म हाउस पर रेव पार्टी में पकड़े गए हैं। साथ ही मुंबई और पुणे की 3 लड़कियों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं करीब 2 दर्जन लोग मौके से फरार हो गए। उदयपुर पुलिस ने बुधवार देर रात कार्यवाही करते हुए रेव पार्टी पर छापा मारा। कार्यवाही में कुल 11 लोगों को दबोचा गया। इनमें गुजरात के 8 लड़के भी शामिल हैं जो नाथ द्वारा में दर्शन करने के बहाने आए थे। इन्होंने उदयपुर के एक फार्म हाउस पर रेव में मौज मस्ती की, जहां पुलिस की रेड पड़ गई। सुखेर थाना इलाके में जंगल में स्थित फार्म हाउस पर रेव पार्टी करते 40 से ज्यादा लोग मिले। ये सभी लोग गुजरात के बताए जा रहे हैं, जो राजस्थान में श्री नाथ जी के दर्शन के बहाने आए थे और यहाँ लड़कियों के साथ रेव पार्टी करते हुए नशे में धुत मिले। गिरफ्तार लोगों में पुणे और मुंबई की 3 लड़कियां भी शामिल है, जबकि 25 लोग फरार हो गए। यहां घने जंगल में स्थित फार्म हाउस में हो रही रेव पार्टी में शराब परोसी जा रही थी। मौके से एक कार जब्त कर थाने लाई गई है, जो गुजरात नंबर की है। इन लोगों के पास से नकदी के साथ मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस कार्यवाही कल रात 3 बजे के बाद तक भी जारी रही। गौरतलब है कि राजस्थान से लगते गुजरात बॉर्डर पर कई होटल और फार्म हाउस ऐसे हैं जहां गुपचुप रेव पार्टी आयोजित की जाती है। इसके अलावा जुआ भी धड़ल्ले से खेला जाता है। पिछले माह भी पुलिस ने एक होटल में जुआ खेलते कई लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार लोगों में अधिकतर आरोपी गुजरात के थे। पुलिस ने 48 लाख से ज्यादा की नकदी के साथ 1 करोड़ का हिसाब भी बरामद किया था। वहीं कुकड़े श्री महादेव के जंगलों में स्थित फार्म हाउस में पुलिस कार्रवाई करने पहुंची तो पार्टी में शामिल युवक युवती 5 फीट की दीवार फांदकर जंगल में फरार हो गए।